चाहता हूं। जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने देखा कि यीशु मसीह जो है वो बीमारियों को चंगा कर रहे हैं, मलाकी की पुस्तक में पुराने नियम में उसने पढ़ा था कि उसके धागों से, मैंने आपको ये लॉकडाउन में समझाई थी ये बात, वचन में लिखा था उसके धागों से तुम चंगे हो जाओ। उसे वचन में मालूम था कि ऐसा नबी आएगा जिसके कपड़ों के छोर के धागों से हम चंगे होंगे, और उसे मालूम था ये वही है, और इसीलिए उसने कहा था मैं तेरे कपड़े के छोर को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊं। वचन के ऊपर काम करने के कारण उसने परमेश्वर का पीछा किया, और उसे मालूम था दुनिया फेल हो जाए, देश फेल हो जाए, वचन कभी फेल नहीं होता, उसे मालूम था ये बात, और इसीलिए उस वचन को लेकर परमेश्वर के पास जाती रही। उसे मालूम था जाना आसान नहीं, कोई भी काम, कोई भी मिरेकल, कोई भी हीलिंग, कोई भी डिलीवरेंस आपकी सहायता के बिना नहीं होती। आपको वचन लेना पड़ता है, उसे अंगीकार करना, उस पर काम करना, वर्कआउट करना, उसको जीवित करना अपनी लाइफ में, यह आपके लिए जरूरी होता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है इसलिए जब वो परमेश्वर के पास गई, उसे मालूम था पुराने नियम की बातों को, उसने वचन पकड़ा हुआ था कि मैं उसके कपड़े के छोर को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊं। वचन को पकड़ के रखो। क्या करना है वचन को, कि अगर मैं यीशु की सेवा करूंगा करूंगी तो कौन आदर करेगा, कौन आदर करेगा, कौन, मेरा पिता कहता तुम्हारा क्या करेगा। वचन को क्या करना है, पकड़ के रखना है, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। अपने आप ये पूरा नहीं होगा, सेवा करने के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, हार्ड लाइफ भी देखनी पड़ेगी, उपवास भी करना पड़ेगा, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, दिल में कुछ आए लेकिन करना कुछ पड़ेगा, माफ भी करना पड़ेगा, यानी वर्कआउट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस वचन को पूरा करने के लिए। और जब आप काम पूरा कर लेंगे, और जब आदर का पैकेज ऊपर से आएगा, जब वो अपना कोरियर भेजेगा आदर का, उसे कोई शैतान खत्म नहीं कर पाएगा, उसे आपका दुश्मन खत्म नहीं कर पाएगा, लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उसे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। वो आदर क्या होगा, वो आदर आपके बच्चों की लाइफ में हो सकता है, वो आदर आपके अपनी लाइफ में हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में हो सकते हैं, वो किसी भी तरफ से परमेश्वर आपको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका वचन पूरा होगा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका क्या करेगा, आदर करेगा। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो। 4 साल पहले जब 5 साल में लोगों बताते थे कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, लोगों को लगता है क्या बुरे दिन, वही चल रहा है, संडे मंडे वही काम पे जाना आना, अब तो फेसबुक भी आ गई है, नजारे लेने पूरे, हूं तो ट्विटर भी आ गया जी, हूं तो नवा टिकटॉक भी आ गया, वो आके बेचारा चला भी गया, हाँ क्या बुरे दिन आ जाए। अब उन्हें मालूम हुआ कि बुरे दिन किसे कहते हैं। अब लोग कहते हैं कि मास्क से भी कोरोना छुप नहीं सकता, ये हवा में भी है, अब कहां किधर जाओगे, कौन सी बेसमेंट में छुपोगे। कहते हैं मास्क से भी, कहते हैं ये स्टडी आई है कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये हवा में भी है, तो सांस लेनी बंद कर दोगे। जितने दिन बुरे होंगे उतना आप चमकेंगे, दैट्स इट। ये स्टेटमेंट 10 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, ये 80 साल बाद भी ऐसी है, ये ऐसी रहे। जितना अंधेरा होगा लाइट उतनी चमकेगी, आप लाइट हो। उसने कहा नहीं क्या, क्या नहीं बाइबल में, क्या तुम जगत की रोशनी हो। तो जब अंधेरा होगा, अगर यहां पे 100 वाट का बल्ब में जगा दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अंधेरा होगा वो काम करेगा। जितना अंधेरा बढ़ रहा है आप उतना चमक रहे हैं। अभी मैं सच कह रहा हूं, अब वो टाइम नहीं जब आप सेवा करें और आपके बच्चे कुछ भी करें, वो टाइम आ रहा है
क्योंकि टाइम शॉर्ट है, थोड़ा टाइम रह चुका है। दुनिया जिस तरफ जा रही है, आगे कोई उम्मीद मत रखना कि आसान होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, इकॉनमी का जो हाल है, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता यहां से, जो देश की इकॉनमीज का हाल है अंदर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से कह रहा हूं, दिन ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, एक जाएगी चीज दूसरी आ जाएगी। सुनो मेरी बात, परमेश्वर की जितनी जरूरत आपको अब है, पहले कभी नहीं थी। अब आप आत्मिक हो गए मालूम, क्योंकि जैसे ही आप कुछ गंदा काम करते नाले हैं, होने सुधर जो है, कि कोरोना ना हो जाए, हाँ तभी तौबा, एक सेकंड में। एक सेकंड में तौबा हो रहा है कि नहीं ऐसा? हाँ, वैसे ही गले में कुछ अटक गया, कहना आज प्रेयर नहीं की थी यार, मैं आज जरा प्रेयर करके, पहले प्रार्थना का याद नहीं था। अफ्रीका में पता है क्यों ज्यादा लोग परमेश्वर को अच्छी तरह से मानने लगते हैं? वहां घर से बाहर जब आप निकलते हैं, आपको मालूम नहीं कि क्या होगा। आप रोड पे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम क्या होगा। किडनैपिंग बहुत है वहां पे, जल्दी किडनैप कर लेते, मारते नहीं, सिर्फ फिरौती लेते हैं। किडनैपिंग बहुत ज्यादा है, लूट बहुत ज्यादा है, किडनैपर्स ऐसे हैं, पुलिस को नहीं छोड़ते। आप घर से निकलते हैं, आपको मालूम नहीं क्या होगा, और जब उनको कदम कदम पर परमेश्वर की जरूरत पड़ती है, वो परमेश्वर के करीब हो जाते हैं। अगर आप यही यूरोप में चले जाओ, तो वहां पे आपको ऐसी परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंस नजर नहीं आएगी, क्योंकि सब तरफ आसान है, सब कुछ आसान है। लेकिन जहां पर मुश्किल है, परमेश्वर का काम भी वहां पर ज्यादा है। इसलिए आप अधिक आत्मिक है बहुत सारे देश के लोगों से, इसलिए आपकी प्रार्थना कहीं अधिक है दूसरे लोगों से। मेरा यह विश्वास है कि आप इस वचन को मानेंगे, क्योंकि टाइम जो आ रहा है, आने वाला, जो परमेश्वर मुझे बता रहे, आप ही नहीं, आपको अपने आने वाली जनरेशन को भी खुदावंद के कामों के लिए तैयार करना पड़ेगा। चाहे आप उसे डॉक्टर बनाए, लेकिन आपको उसको सिखाना पड़ेगा कि आने वाला टाइम तुझे किस तरह से परमेश्वर का काम करना है। आप उसे एक्टिव रखेंगे परमेश्वर में, वो ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो 7 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, वो ऐसा होगा कि संडे के दिन उसने गिटार पकड़ी होगी चर्च में। हां, वो ऐसा इंजीनियर होगा जो ये नहीं कि 7 दिन कंपनी के साथ, वो ऐसा इंजीनियर होगा कि 7वें दिन वो चर्च के बाथरूम क्लीन कर रहा होगा। हां, वो लोगों को बता रहा होगा। आने वाले टाइम में आपको इस तरह से अपने बच्चों को तैयार करना है कि जब वो बड़े हों, वो ऑलरेडी परमेश्वर के कामों में हों। उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये, वो सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जैसे ही आप खुदाबंद के कामों में अपने बिजनेस को, अपने बोने को, अपने पैसे को, अपने ताकत को, अपने बच्चों को, सब कुछ आप दे देते हैं, उस पर सुरक्षा की एक बाड़ लग जाती। बाइबल कहती है, अय्यूब पर जब शैतान अटैक करने के लिए आया, तो बाइबल कहती है उसने, परमेश्वर ने पहचान लिया अय्यूब शैतान को उसके दूतों में, और परमेश्वर ने कहा ये कहां से आया? उसने कहा धरती पर घूमता घामता डोलता डालता आया हूं। परमेश्वर ने कहा अय्यूब को देखा, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा डर मानने वाला, खरा मनुष्य धरती पर और कोई नहीं। उसने कहा हां देखा है, पर तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है, मैं जब भी उसे छूने जाता हूं छू नहीं पाता, क्योंकि तेरी बाढ़ उसके आसपास। अगर आप ध्यान से अय्यूब की लाइफ को स्टडी करें, अय्यूब सिर्फ एक विश्वासी नहीं था, बाइबल कहती है उसे चिंता थी अपने बच्चों को मसीह में लेके आने की, इसलिए उनके लिए होम बलि और मेल बड़ियां वो चढ़ाता था। उसे चिंता थी विधवाओं की, चिंता थी अनाथों की, चिंता थी परदेशियों की, चिंता थी दूसरों की। और बाइबल कहती पूछ कर भी अगर उसे मालूम पड़ जाए वहां किसी को मेरी जरूरत है, जबरदस्ती उसके पास जाकर उसकी हेल्प करके आता था। और बाइबल कहती इसी सेवा के कारण
उसके आसपास एक बाड़ा लगा हुआ था जिससे शैतान उसको छूने नहीं पाता था। हालेलुया। याद रखो, जो कुछ भी आप मांगेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे और वो आपको देगा। वो कितनी भी चीज एक्सपेंसिव क्यों ना हो, आपकी पहुंच से बाहर क्यों ना हो, वो आपको देगा। आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा वो आपको देगा। और मैं इन संसार की एक्सपेंसिव चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वो कितना भी बड़ा गिफ्ट क्यों ना हो, वो आपको देगा। वो कितना भी बढ़िया वरदान क्यों ना हो, सामर्थ क्यों ना हो, उसका काम क्यों ना हो, वो आपको देगा। आप तैयार हैं उसकी सेवा करने के लिए? क्योंकि अब वो टाइम नहीं सिर्फ पास्टर प्रचार करे और कलीसिया आके सुने और पास्टर फिर दरवाजे पे खड़ा हो जाए और हेलो हेलो करे और उसके बाद कलीसिया अपने काम और पास्टर अपने काम, 7 दिन बाद फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप भी प्रचारक होंगे, आप भी काम करेंगे, आप भी बच्चों को तैयार करेंगे। आमीन ऊंचा आशीष आपके चर्च।